parents and dear students welcome to erudite school of learning Nagar. mobile number 7568077458 class 6 subject science chemistry chapter number 5 and lecture number 2 if you have any doubt in this lecture then you just need to write in your notebook whenever your school class will be open then may you clear to related teacher आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम पेज इन आवर लेक्चर दैट वी हैव स्टार्टेड दैट द कंपोजिशन ऑफ एयर एंड सो वी विल स्टडी इन द डिटेल आज हम इस लेक्चर में सेम पेज कंटिन्यू करेंगे और एयर किस किस से मिलकर बनी है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सो द फर्स्ट इज वाटर वेपर मॉइस्चर इज प्रेजेंट एज अ वाटर वेपर इन द वाटर वेपर राइज हाई अप इन द एटमॉस्फेयर एंड गेट कूल टू फॉर्म द क्लाउड्स दिस ब्रिंग रेन ऑन बोथ लैंड एंड ओशन स्नो इज प्रोड्यूस इन कूलर रीजन द वॉटर वेपर कंट्रोल द क्लाइमेटिक कंडीशन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन बी फेल्ट इन अवर डेली लाइफ when the air comes in contact with the cool surface it condenses and drops of water appear on the cool surface this shows that the water is present in the air water vapor is one of the composition of the air and the moisture in our atmosphere the humidity is due to the presence of water vapor in the air water vapor when evaporated Water when evaporated in the form of water vapor from the oceans due to the sunlight it rises up in the atmosphere which where it get cooled down and form the cloud. Then cloud again bring the water on the earth on the land or in the ocean in the form of rain. Water vapor water presence of water in the atmosphere control the climatic condition that means if there is a more water vapor present in the air there is a more moisture there is a humid more humidity in the atmosphere if you want to know the presence of water vapor in the atmosphere you just can do a simple activity one activity just put out the just take out the one uh, of very cold water bottle from the freeze and put it on the open area after some time you can see the water vapor is present the water vapor is formed on the outer surface of the water bottle that's due to the the water vapor present surround the water the water vapor present in the air which is surround present near the the cold water bottle condensed due to the less temperature and form on the and condense on the cooler surface of the water bottle. Water vapor क्या है हमारा air का एक composition है जिससे हमारी air मिलके बनी है. Water जो नमी present होती है जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है वो किस वजह से होती है क्योंकि हमारे आसपास क्या प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर वाटर जब ई होता है ओशन में से सनलाइट की वजह से तो वाटर वेपर के फॉर्म में ई होता है जब ये वाटर वेपर और ऊँचे एटमोसफेयर में जाते हैं है, है, जा है तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से सारी वाटर वेपर आपस में इकट्ठा होकर क्या बनाती है क्लाउड और वही क्लाउड फिर से वाटर वेपर को वाटर के फॉर्म रेन के फॉर्म में लैंड और ओशन में ओशन पे आती है वाटर वेपर क्या करता है हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर में जो क्लाइमेट है उसको क्या करता है कंट्रोल करता है जैसे अगर वाटर वेपर प्रेजेंट एयर में वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा है तो हमारे आसपास नमी भी क्या होगी ज़्यादा होगी और कम है तो जैसे समर में वाटर वेपर कम होता है क्योंकि पानी की कमी होती है ईवेपोरेट जा, हो जाता है सारा तो क्या होता है ड्राई हो जाती है हमारा एटमोसफेयर क्या हो जाता है ड्राई सूखा अगर आपको वाटर वेपर की प्रेजेंस एयर में देखनी है तो आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं आपको एक एकदम चिल्ड ठंडा ठंडी वाटर पानी की बोतल क्या करना है फ्रिज में से बाहर निकालनी है कुछ देर के लिए रखनी है और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वाटर बॉटल के बाहर की साइड क्या है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आएगी क्यों क्योंकि बॉटल के आसपास जो एयर होती है उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है वो वाटर बॉटल के ठंडे होने की वजह से कम टेम्परेचर होने की वजह से क्या हो जाती है वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स में ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है और बाहर की सरफेस में जमा हो जाती है नेक्स्ट इज ऑक्सीजन वन फिफ्थ ऑफ द एयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन लाइफ वुडन पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन वी नीड ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज टू सपोर्ट बर्निंग इफ यू हर इन्वर्टर ग्लास टम्बलो over a burning candle you would notice that the candle extinguishes extingu extingu after some time this is because the oxygen that supports burning is cut off when it is covered by the glass tumbler and hence the candle stops burning the percentage of the air in the uh, oxygen of in the air is 20% and it cover one fifth of the total of the air you know very well that without oxygen the living things are not able to stay alive because we need the oxygen to respire oxygen also help also support the burning if something is burning and you give the oxygen supply it will continue it will get it will continue burning so we will do an activity to understand the presence of oxygen which support the burning burn light up a candle now put the glass uh, a glass over that burning candle and after some time you will notice that the candle suddenly stop burning because when you put the glass over the burning candle the supply of the oxygen cut off ऑक्सीजन हमारे एयर का एक वन फिफ्थ हिस्सा बनाता है और ट्वेंटी परसेंट क्या होती है ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है आप सबको पता है ऑक्सीजन जो गैस है वो हमारे लिविंग थिंग्स के लिए ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हम रिस्पे रेस्परेशन करते हैं जो हम ब्रीथिंग करते हैं सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस यूज करते हैं हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेस्परेशन के अलावा कहाँ हेल्पफुल होती है आग ये आग को क्या करता है सपोर्ट करता है इस एक्टिविटी को समन इस चीज़ को समझने के लिए कि ऑक्सीजन क्या करता है आग को फायर को सपोर्ट करता है करने के लिए हम क्या करेंगे एक एक्टिविटी आपको एक कैंडल लेनी है उसको क्या करना है जलानी है कैंडल जलाने के बाद आपको एक ग्लास लेना है और उस जलती हुई कैंडल के ऊपर रखना है कांच का ग्लास लेना है और कैंडल के ऊपर रखना है थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो कैंडल है वो क्या हो गई बूझ गई क्यों क्योंकि जैसे आपने कांच का ग्लास उसके ऊपर रखा ऑक्सीजन क्या हो गई आना बंद हो गई सप्लाई होना बंद हो गई और वो आग क्या हो गई वो कैंडल क्या हो गई बंद हो गई या बूझ गई नेक्स्ट इज नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इट नी सपोर्ट बर्निंग नॉर बर्न इट सेल्फ But the presence of huge quantity of nitrogen in the atmosphere is blessing for us. It slow down any burning. It has many other uses. It also used on large scale to manufacture fertilizer to be used in cultivation. Nitrogen is the major part of the earth. You can see the 70 percent, 78 percent of the air is of nitrogen. Nitrogen is never never support the burning or not burn itself but it slow down the burning or the fire and it has very wide use huge use of the of this gas the plant which take up the nitrogen from the soil because nitrogen element is very essential for the growth of the प्लाट दैट्स वाई नाइट्रोजन गैस इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस और टू मेक टू मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर विच इज़ यूज फॉर द प्लांट नाइट्रोजन गैस आप देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या होती है परसेंटेज नाइट्रोजन गैस की होती है एयर में जो कि क्या है सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन गैस आग लगने में या फायर को सपोर्ट नहीं करती और ना वो खुद जलती है हाँ लेकिन नाइट्रोजन गैस आग को क्या कर सकती है कम जरूर कर सकती है नाइट्रोजन गैस के बहुत सारे यूजेस होते हैं जैसे प्लांट की ग्रोथ में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या करता प्लांट uh, क्या करता है नाइट्रोजन सॉइल में से एब्जॉर्व करता है जो कि उसकी ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होती है और इसी वजह से नाइट्रोजन क्या होता है फर्टिलाइज़र बनाने में यूज होता है फर्टिलाइज़र क्या होता है एक टाइप का प्लांट के लिए एक खाना होता है खाद जिसे हम कहते हैं जिसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं नेक्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन ए क्लोज रूम इफ़ दे इज सम मटेरियल दैट इज़ बॉर्निंग विफोकेशन this is due to the excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continue carbon dioxide make up a small component of air around us plant and animals consume oxygen for the respiration and produce carbon dioxide plant and animal matter on burning also consume oxygen and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. As you know very well that the carbon dioxide is the waste gas produced in our body, that means it is toxic to us. That that's why we release the carbon dioxide in exchange of gas. Whenever whatever is burning, it always produces the carbon dioxide as the waste product. So if you when in a room, if something is burning you will start feeling suffocation you will not comfortable to breathe because there is a formation of carbon dioxide due to the burning of something carbon dioxide you know very well it form only 0 0.03 percent in the air plant and animal use the car uh, use the oxygen to respire and release the carbon dioxide in the air but plant also use द कार्बन डाईऑक्साइड इन द फोटो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है जैसा कि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस है, एक जो कि हमारी बॉडी में बनती है और हम ऑक्सीजन के एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं या रिलीज करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए क्या है हार्मफुल अगर किसी रूम में अगर कोई चीज़ जल रही है तो आपको सडनली क्या होता है घुटन होने लगती है या आप, आप सांस लेने में एबल नहीं होते हो क्योंकि जब भी कोई चीज़ जलती है तो डेफिनेटली उसमें से क्या निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि हमारे लिए क्या है हार्मफुल जो कि हमें सांस लेने में क्या करती है डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है प्लांट और एनिमल दोनों ही क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं जब वो क्या करते हैं रेस्परेशन और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि आप देखेंगे बहुत ही कम क्या करता है कंट्रीब्यूट करता है एटमॉस्फेयर में 0.3 परसेंट ही खा, खाली पॉइंट जीरो परसेंट ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एयर में प्रेजेंट है इ डॉक्कर इन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंजाइम एंड हार्बोन्स Carbon dioxide molecule reflect back the heat radiation and help the earth not to radiate heat very rapidly at the night. Carbon dioxide partially dissolve in water and help in the formation of carbonate salt. This give taste to the natural water. Carbon dioxide essential for the photosynthesis. That means in carbohydrate, in fat, protein, protein, in this all carbon dioxide. Is there some presence of the carbon in that element? Nucleic acid, nucleic acid means a kind of organic substance present in our body. Enzyme, enzyme is also a, a protein, enzyme is made up of protein that is present in our body. Hormones, hormones are also some organic substance produced in our body present in the living things that means carbon element or presence in carbohydrate fat and protein and carbon co2 co2 element it compound it also present in some chemical reaction as a enzyme or some part of the hormone and the nucleic acid carbon dioxide the, the molecules of the carbon dioxide absorb the heat radiated by the earth's surface and reflect it back towards the earth. Carbon dioxide also dissolve also not completely but most or partially means half of the carbon dioxide is dissolved in water and when carbon dioxide dissolve in water it form the

कंपोनेंट प्रेजेंट होता है कार्बन न्यूक्लिक एसिड एंजाइम और हार्मोन ये तीनों एक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन तीनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं इन तीनों में भी कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड क्या होता है एज ए एंजाइम में वगैरह यूजफुल या रिएक्शंस वगैरह में कहीं ना कहीं ये प्रेजेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के एटमॉस्फेयर में वो क्या करते हैं जो हीट रेडिएशन या जो हीट अर्थ के थ्रू जो सनलाइट से जो सनलाइट से क्या आती है रेज आती है वो ही अर्थ क्या करता है एब्जॉर्व करता है और जब उसे फिर से स्पेस में भेजता है रिफ्लेक्ट करता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो क्या करते हैं उसे एब्जॉर्व कर देते हैं और फिर से अर्थ की तरफ भेज देते हैं और इस वजह से हमारी अर्थ रात को ज़्यादा जो एकदम से ठंड जो टेम्परेचर कम होता है अर्थ का वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में क्या होते हैं होते हैं वाट कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजोल्व होती है तो एक तरह का कंपाउंड बनाते हैं उसे हम कहते हैं कार्बोनेट सॉल्ट कार्बोनेट सॉल्ट की वजह से बनने की वजह से जो नेचुरल वाटर होता है जो पानी होता है उसमें एक अलग तरह का क्या आता है टेस्ट आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में क्या होता है एक एसेंशियल रॉ मटेरियल जैसे प्लांट के थ्रू प्लांट के थ्रू यूज होता है नेक्स्ट इज डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स इन ईयर कैन बी सीन वैन सन रेज एंट्रिंग इन टू रूम इज व्यू थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग सिमिलरली वैन समथिंग इज बॉर्न इट प्रोड्यूस स्मोक द स्मोक कंटेन सर्टेन गैस एंड डस्ट पार्टिकल विच आर हार्मुल्ड फॉर अस to prevent this factories have a long high chimneys to discard smoke and dust if you are living in a city then you might have noticed that how the crowded roads are full of smoke and dust due to the pollution caused by the vehicle if you breathe polluted air you will feel sick the composition of air varies from one place to another for example the air near the industry may pollute with the smoke and dust while the air on the top of the mountain or in the countryside will refreshing as it contain more oxygen. Air is also present in water, soil. Organism living in water or underneath soil use the oxygen present in the air for the respiration. In this para, it is saying you know that the composition of the in the composition of air, some dust and the smoke particle also contribute. If you have a seen or rays coming from from the sunlight through your windows if you have a seen it if you observe you can see very tiny dust particle you can see in that rays of sun that means it is so showing that in atmosphere dust particle are also present next is smoke when anything is burned like the the gases which is coming out from the vehicles or from the factory you can see that is known as smoke that means smoke is means dua smoke contain many harmful gases and the dust particle which is very toxic to the living things so to stop the to stop the uh, smoke coming out from the factory the chimney which is which is built by the factories should be very high so the harmful gas and the dust particle and the smoke can directly discarded directly released to the at the high of the atmosphere so the air which is present near the more near the earth surface won't get polluted when you if you have ever visit near any uh, near the crowded place near where is so much traffic and the vehicles and the factory areas you are not able to breathe you will feel difficulties in breathing because there is a smoke which which is made up of very harmful gases the composition of air that means the air also varies from place to place that means the quality of air also, different from place to place if you have visit a crowded place or the very rush area you will feel the quality of air is not so good that means there is a polluted air which is polluted by the smoke and dust but if you visit at the top of the mountain or in the village you can feel the fresh air that means the quality of air is good there you know very well that the oxygen gas, that means oxygen is gas, is also present in the air. So the air is dissolved in water, which is used by the aquatic animals and the insects in the soil. There is also presence of the air. This air in the soil and water used by the small organism, organism in small living creatures and the aquatic animals present in the water. नेक्स्ट एयर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसका है डस्ट और स्मोक का एयर के एयर को बनाने में स्मो डस्ट पार्टिकल अगर आपने कभी ध्यान से ऑब्जर्व किया हो जो हमारी खिड़की से जब कोई सनलाइट आती है तो आप देखना छोटे छोटे उसमें आपको बहुत ही छोटे छोटे क्या नज़र आएंगे डस्ट पार्टिकल्स सो इससे ये प्रूफ होता है कि एटमोसफेयर में डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंस होते हैं नेक्स्ट है स्मोक स्मोक का मतलब होता है धुआं धुआं किससे मिलके बना होता है बहुत सारी हार्मफुल गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत हार्मफुल गैसेस से मिलके बना हुआ होता है ये कहाँ से निकलता है जो बहुत जो व्हीकल्स जो गाड़ी घोड़े होते हैं या जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें से ये धुआं निकलता है फैक्ट्रीज़ को गवर्नमेंट uh, के थ्रू ये रूल्स होता है कि फैक्ट्रीज़ की जो चिमनी होती है जिसमें से धुआं और वेस्ट हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती है वो क्या होनी चाहिए बहुत ही थोड़ी थोड़ी लंबी होनी चाहिए ताकि जो भी स्मोक या हार्मफुल गैसेस फैक्ट्रीज़ वगैरह में से निकल रहा है वो थोड़ा एटमोसफेयर में बहुत ही हाई जाए हमारे अर्थ के सरफेस के आसपास जो एयर है उसमें मिक्स ना हो क्योंकि जो स्मोक अगर हमारे एयर में मिक्स होगा तो क्या कॉज करेगा एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन के कारण हमें क्या हो सकती है सांस लेने में डिफ़िकल्टीज हो सकती है और ये हमें क्या कर सकता है बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है जैसे अस्थमा कैंसर एक्सेट्रा अगर आप किसी क्राउडेड एरिया जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है जहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ एरिया में अगर जहाँ पे फैक्ट्रीज़ वग़ैरह है गए होंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्या होती है सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि व्हीकल्स में से क्या निकलता है बहुत ही ज़्यादा स्मोक निकलता है जो क्या कर जिसमें क्या होता है बहुत ही हार्मफुल गैसेस मिली हुई होती है एयर की क्वालिटीज़ भी क्या होती है एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट होती है जैसे अगर आप बहुत ही क्राउडेड एरिया या फैक्ट्री वाली एरिया में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि चारों तरफ एयर क्या है पॉल्यूटेड है स्मोक धुआ गंदा गंदी गैसेस प्रेजेंट है लेकिन वहीं आप किसी विलेज में जाएंगे या पहाड़ी एरिया पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत ही क्या है रिफ्रेश फ्रेश एयर प्रेजेंट है क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है और ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी भी क्या होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है वाटर और सॉयल के अंदर भी क्या होती है एयर डिजोल्व होती है दैट मीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस डिजोल्व होती है जो कि कौन यूज़ करता है पानी में रहने वाले और मिट्टी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट इज इनर्ट गैस इनर्ट और नॉवल गैस आर प्रेजेंट इन एयर इन वेरी स्मॉल अमाउंट दिस डू नॉट रिएक्ट विद एनी सब्सटेंट बट कैन बी यूज इन मैनी वेज We may conclude that air contains some gases, water vapor, and dust particles. The gases in the air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. However, there may be some variation in the composition of air from place to place. We see that the Air contain mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases make up 99% of the air. The remaining one is constituted by carbon dioxide and few other gas, water vapor and the dust particles. Inert gas means those gas which do not react with any other com substance. These are not the, the presence of this inert gas is not too much in the air, but this can be used in different way. इनर्ट गैस का मतलब होता है ऐसी गैसेस जो आगे किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती वो जैसी प्रेजेंट है वैसी एटमॉस्फेयर में रहती है ये कोई ज़्यादा इनकी क्वांटिटी एयर में ज़्यादा नहीं होती बट अलग अलग तरीके से इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द अबव टॉपिक whatever we वी हैव लर्न इन डिटेल अबाउट द of ऑफ द एयर इट प्रूव दैट एयर इज कंसिस्ट ऑफ मैनी वाटर वेपर एंड सम डस्ट पार्टिकल्स आउट ऑफ सम गैसेज मेनली इज नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाई ओनली द नाइट्रोजन एंड कार्बन डाई सॉरी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टूगैदर फॉर्म द नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ द एयर वाइल द वन परसेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैस वाटर वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल जो भी हमने ऊपर डिटेल्स में कंपोजिशन पढ़ी है एयर की उससे ये प्रूफ होता है कि एयर क्या होती है बहुत सारी गैसेस से मिल बनी है कुछ वाटर वेपर से और कुछ डस्ट पार्टिकल से उसमें मेनली क्या है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है जिसमें से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों अकेले मिलके एयर का कितना पार्ट कवर कर लेते हैं नाइन्टी नाइन परसेंट और बाकी बचा एक परसेंट कौन कौन कवर करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल और दूसरी गैसेस हे वी कंप्लीट आवर लेक्चर नंबर टू होमवर्क टाइम क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फाइव एंड लेक्चर नंबर टू वर्ड मीनिंग फर्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग सेल डीएनए न्यूक्लिक एसिड क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होने वाला एक सब्सटेंस है एग्जाम्पल क्या हो गया डी एन ए सेकेंड एंजाइम प्रोटीन दैट स्पीड ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल लिपेज इट ब्रेक डाउट द फैट इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंजाइम भी कुछ क्या होते हैं सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन से मिलके बनते हैं ये क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं uh, कुछ एंजाइम चीज़ों को तोड़ने में भी हेल्प होते हैं कुछ एंजाइम चीज़ों को बनाने में जैसे एक लिपीज एग है जो क्या करता है फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है थर्ड है हारमोन्स हारमोन्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन सेल ऑफ ऑर्गन हारमोन्स क्या है केमिकल सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो क्या करती है हमारी बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करती है जैसे किसी की हाइट छोटी होती है किसी की हाइट बड़ी होती है तो जिसके अंदर जिसकी हाइट लंबी होगी बड़ी होगी या अच्छी होगी उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो ज़्यादा से प्रोड्यूस होता है और जिसकी हाइट छोटी होती है दैट मीन्स उसके अंदर किसकी कमी है ग्रोथ हार्मोन की नोट्स एंड योर डेली होमवर्क बिफोर नाइन ओ क्लॉक एवरी डे इन अ गुड हैंड राइटिंग ऑन द व्हाट्सएप नंबर सेवन फाइव सिक्स एट जीरो सेवन सेवन फोर फाइव एट नोट डेली नौ बजे से पहले आपको अपना होमवर्क गुड हैंड राइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर सेवन फाइव सिक्स एट जीरो सेवन सेवन फोर फाइव एट पर सेंड करना है थैंक यू टिल देन हैव अ नाइस डे